Well, hi guys! Oh, welcome back to my channel. I am Malvika and in today's video, I will be sharing with you guys the no makeup makeup look or the makeup look that you can carry it out when you're going to college, when you're going to office or simply when you're going out for some work, when you want to look professional, when you don't want to look so loud. And yes, so this is the makeup look that I have created. So yes, and ये चश्मे का अभी कोई काम है नहीं. वैसे ये लुक इज इंस्पायर्ड बाय ज्योति सेठी, वन ऑफ माय फेवरेट यूट्यूबर हुज वीडियो आई हैव बीन वॉचिंग फॉर सो लॉन्ग टाइम. एंड यस, शी इंस्पायर्स मी अ लॉट. सो दिस इज व्हाट शी डिड एंड दिस इज आई एम रिक्रिएटिंग और द मेकअप लुक दैट आई गेट इंस्पायर्ड बाय हर. सो यस, यहाँ पे कितना ऑफिशियल लग रहा है ना, एकदम छोटा सा इयररिंग ब्लैक कलर का ये, एंड इट लुक्स गुड. वैसे इसका कुछ काम था नहीं, मेरे को है स्पेक्स वैसे, लेकिन ये लुक के साथ मैं अच्छा कॉम्प्लीमेंट करा था, उन्होंने भी लगाया, सो आई थॉट व्हाई नॉट मी. तो इसलिए आई हैव डन दिस. अभी लॉकडाउन खुलेगा अभी थोड़े दिन के बाद में, एंड कभी ना कभी तो लाइफ नॉर्मल होगी, कभी ना कभी तो आपको बाहर जाना पड़ेगा, कभी ना कभी तो आपको कॉलेज या ऑफिस जाने की जरूरत पड़ ही जाएगी. सो यस, ये तब के लिए है, आगे का सोचती हूँ. एंड यस, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू नो हाउ आई डिड दिस, देन कीप ऑन वॉचिंग. तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक कंसीलर लगाएंगे. दिस इज़ बाय NYBAE, एंड कंसीलर से ही हम अपने जितने भी डार्क सर्कल्स है, स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, उसको ब्लर आउट करेंगे, उसको क्लियर करेंगे स्किन से, उसको अच्छे से लगा लेंगे. बिकॉज विल नॉट बी अप्लाइंग फाउंडेशन, क्योंकि डेली डेली फाउंडेशन की ज़रूरत भी नहीं होती है. कंसीलर डज द बेस्ट जॉब, एंड विद द हेल्प ऑफ अ डैम ब्यूटी ब्लेंडर आई जस्ट स्प्रेड इट आउट इवनली ऑल ओवर माई फेस, जिससे हल्का फुल्का कवरेज भी आ जाए. डार्क सर्कल्स, पिगमेंटेशन जो भी है, दैट विल बी ब्लर्ड आउट, दैट विल बी हिडन ऑफ बाई दिस कंसीलर. And you just need to blend. After that, I'll be using this compact powder. It is by Maybelline Super Stay Fresh. And इसे मैं अच्छे से लगा लूँगी on the areas wherever I have applied concealer. तो जहाँ जहाँ पर मैंने concealer लगाया था, मैंने वो सब जगह को अच्छे से lock कर दिया है, अच्छे से pat कर दिया है with this compact powder. एंड उसके बाद में आई बी अप्लाइंग अ लिपस्टिक, हाँ, बट नॉट ओवर माई लिप्स, ऑन माई चीक्स. मैं बहुत जल्दी में थी, सो आई कुडंट फाइंड माई ब्लश पैलेट, तो छोटा सा हैक एंड जुगाड़ ओवर योर. आई एम यूजिंग दिस ब्लश, लिपस्टिक ब्लश, एंड अप्लाइंग इट ऑल ओवर माई फेस. एंड अभी मुझे थोड़ा सा नोज़ पे भी चाहिए कलर, तो आई अप्लाई अ डॉट ओवर माई नोज टिप एंड ब्लेंड इट आउट. Blend. उसके बाद में आई बी अप्लाइंग दिस काजल, एंड काजल से ही मैं आई लाइनर का काम भी कर लूँगी, बिकॉज किसको फुर्सत है यार, ऑलरेडी हरी में होते हैं एंड हुल सेट टू अप्लाई आई लाइनर इतना टाइम लगता है, एक बिगड़ा दूसरा लगाओ, दूसरा बढ़ाओ, दैट्स अ हेडेक. चलो, यहाँ पे मैंने काजल लगा लिया है ऑन माई लोअर लैश लाइन एंड माई आई लिड्स एज वेल. तो यहाँ पे मेरा 2-in-1 काम हो गया ये करते करते. तो मैं लगा रही हूँ और बस लगा ही रही हूँ. इसके बाद में फिंगर की हेल्प से थोड़ा बहुत साइड में कुछ भी लगा हुआ होता है उसको मैं निकाल रही हूँ. आफ्टर दैट वी आर अप्लाइंग दिस मस्कारा, क्योंकि मस्कारा लगाने से जो भी ये होता है अपने आई लैशेज, वो बहुत अच्छे से कर्ल अप हुआ हुआ दिखता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट आपकी आईज़ दिखती है. बस लगा लो, नीचे लगाना मत भूलना. एंड ये करने के बाद में मैं लगा रही हूँ मेरा लिपस्टिक. दिस इज़ बाई हुदा ब्यूटी. इसका शेड कौन सा है मुझे याद नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी. लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा न्यूडी, ब्राउनी न्यूड टाइप ऑफ कलर है ये, तो विच इज़ वेरी गुड फॉर ऑफिस गोइंग गर्ल और कॉलेज गोइंग गर्ल, क्योंकि ज़्यादा चटक कलर अच्छा नहीं लगेगा ना. तो दिस इज़ अ वेरी न्यूडी टाइप ऑफ कलर. And yes guys, I have completed my makeup look. आप भी कर सकते हो,
गया। चलो अब ईयर रिंग्स की बारी। तो यहाँ पे मैंने बहुत छोटे छोटे ऐसे दो झुमके लिए हैं एंड अप्लाई एंड मैं ये लगा रही हूँ मेरे ईयर्स पे। ईयर रिंग है तो ईयर्स पे ही लगाएंगे, ऑफ कोर्स हाउ स्टूपिड आई एम। चलो मैंने ये ईयर रिंग्स लगा लिया एंड उसके बाद मैं आई विल रिमूव माई हेयर बैंड एंड मैं थोड़े बालों को ऐसे फ्लॉन्ट करूँगी एंड उसके बाद मैं आई जस्ट ऐसे गोल गोल करके ऊपर क्लच में लगा लो एंड आगे से थोड़े बहुत जो भी आपके बैंग्स है साइड के जो हेयर्स है उसको निकाल लो एंड ये साइड वो साइड करके देख लो कौन सा आप पे अच्छा लग रहा है। एंड फॉर अ शो ऑफ मैंने ये चश्मे लगा लिए हैं, तो उन्होंने भी चश्मा लगाया था। तो गाइस आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब तो कर ही देना चैनल को, ताकि आप कभी भी मैं ऐसा कुछ वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपको आपके पास भी वो वीडियो आ जाए। एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी आप क्लिक कर देना, सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट्स फ्रॉम माय चैनल। बहुत ज़्यादा ड्रामा हो या नहीं, लेकिन हाँ सच में कर देना ऐसा। एंड यस, सो मैंने बहुत कम प्रोडक्ट यूज़ किया है एंड ऐसा प्रोडक्ट है जो आपके पास घर में मिल ही जाएगा। काजल रहता ही है, लिपस्टिक रहता ही है, मस्कारा कोई ऑप्शनल है अगर आपको लगाना है, अगर आपको पसंद है तो आप लगाओ। एंड कंसीलर की जगह पे आप कुछ फाउंडेशन या कुछ बीबी क्रीम से भी आप हाइड कर सकते हो वो, तो या आप अपने हिसाब से कुछ कम या ज़्यादा कर सकते हो इसमें। दिस इज़ द बेसिक लुक दैट आई हैव क्रिएटेड एंड आई लाइक इट। नॉट आई हैव क्रिएटेड, एक्चुअली क्रिएट उन्होंने किया था, मैंने उनसे इंस्पायर्ड लुक किया है। सो यस, एज यू कैन सी इट लुक सो गुड, मुझे ये अच्छा लगा ये लुक एंड आई कैन टेक इट एनी वेयर बिकॉज। एंड आप रियल लाइफ में भी देखोगे ना, ऐसा नहीं लगेगा कि आपने कुछ भी ज़्यादा ताम झाम किया है। सो यस, इफ यू लाइक इट लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, ठीक है? तो या अब मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। अंटिल देन टाटा।